सराफा थाना इलाके में गिरफ्तार देह व्यापार के आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पुलिस को पता चला है कि देह व्यापार करने वाली युवती उज्बेकिस्तान की रहने वाली थी। मामले में पुलिस ने जब इन युवतियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से खुद को उन्होंने उत्तर प्रदेश का निवासी बनाया था। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक शख्स के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों सराफा थाना पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।